नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और हमारे YouTube चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा YouTube में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं, सर आप हर बार यही बोलते हो कि हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। तो देखो, ऐसा बोलने से बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आता है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। और रियल में ऐसा ही होता है, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसका मतलब वो आसान हो जाता है, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक हार्ड होता है। ठीक है, तो हार्ड और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ एग्जामिन, भाई जो बच्चा है उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं एग्जामिन के, 64 पर पेपर, हर पेपर में उसको 64 मार्क्स आए। इफ यदि ही हैड ऑब्टेन, अगर उसे प्राप्त होते हैं 18 मोर मार्क्स, 18 मार्क्स और ज़्यादा फॉर हिज मैथमेटिक्स पेपर, अगर उसे मैथ के पेपर में 18 नंबर और मिल जाते हैं, एंड 4 मोर मार्क्स फॉर हिज इंग्लिश पेपर, और उसके इंग्लिश के पेपर में उसे 4 मार्क्स और ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका जो एवरेज है पर पेपर वो कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो यानी 66 हो जाता है उसका। तो हाउ मैनी पेपर्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो बोल रहा है कि एग्जाम में उसने कितने पेपर दिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ एन एग्जामिन 64 पर पेपर, तुम सपोज करो टोटल पेपर थे एक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई टोटल एक्स पेपर थे, और हर पेपर के लिए उसकी एवरेज कितनी बन रही थी, पहले वाली जो एवरेज थी वो कितनी थी, 64। तो मैं एक्स को 64 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 64 से। लेकिन अब उसे मैथ में और इंग्लिश में, यानी दो सब्जेक्टों में 18 और 4 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, तो मैं उन दोनों को भी जोड़ देता हूँ। मैंने क्या किया, 18 इधर ऐड कर दिया और प्लस 4 कर दिया, दोनों के मार्क्स जोड़ दिए। अब दोनों के मार्क्स जोड़ने के बाद जो उसका टोटल एवरेज है वो कितना हो रहा है, 66। यानी जितने भी सब्जेक्ट थे, एक्स सब्जेक्ट थे, और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 66 से, क्योंकि उसका एवरेज अब 66 हो गया, यानी 18 प्लस 4 जब ऐड किया तो ये 64 से कितना हो गया, 66 हो गया। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा एक बार आप रिवाइज कर सकते हो नहीं समझ में आया तो। कोई एग्जाम है उसमें एवरेज मार्क्स हैं किसी बच्चे के 64 हर सब्जेक्ट में, यानी उसको अगर एवरेज निकालते हैं, मान लो कितने भी आए हों लेकिन टोटल मार्क्स को जब हमने टोटल पेपर से डिवाइड किया, जितने भी पेपर थे, तो उसके एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। तो टोटल मार्क्स उसको जितने आए थे उसमें से उसने टोटल जितने एग्जाम दिए थे उससे डिवाइड किया तो उसको आया 64। लेकिन बाद में उसने रीचेक किया हुआ या कुछ भी किया हुआ तो उसको 18 मार्क्स तो मैथ में बढ़ गए उसके, और 4 मार्क्स इंग्लिश में बढ़ गए। तो 4 और 18 मार्क्स बढ़ने के बाद उसके टोटल मार्क्स कितने हुए, तो 4 और 18 बढ़ने के बाद उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो एवरेज, मतलब टोटल जितने भी आए उसको अगर टोटल पेपर से डिवाइड किया तो एवरेज कितना आ गया, 66 आ रहा है। तो 66 जब एवरेज आ रहा है तो उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 64x है और इधर 66x है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ। यहाँ 18 और 4 कितना हो गया, 22, और उधर 66x माइनस 64x, तो 66 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 2x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x, और इधर कर दिया मैंने 22, और 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, यानी टोटल जो सब्जेक्ट थे वो कितने थे, 11, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।